क्लास सिक्स्थ एक्सरसाइज फोर्थ बी का पार्ट नंबर फोर्थ। हमने बात करनी है एडिटिव इनवर्स की। एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि कोई ऐसा नंबर जिसका इनवर्स करें तो दोनों को बाद में ऐड करें वो ज़ीरो बन जाए, ठीक है। तो 109 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, उसका नेगेटिव -109। तो देखो 109 को -109 ऐड करो तो आंसर क्या आया ना, ज़ीरो आया ना। इसका मतलब इसका इनवर्स 109 नेगेटिव में होगा, ठीक है। तो -187 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -187 का एडिटिव इनवर्स -187, उसके आगे माइनस लगा के उसको पॉजिटिव बना दो, ठीक है। ये इसका एडिटिव इनवर्स। सिक्स पार्ट में आपके में है कि नंबर लाइन पे इसको शो करना 9-3। पहले 0 से लेके 9 तक कम जाएंगे तो उसमें से -3 हो रहा है, 9 में से 3 गए, हमें पता 6 होता है। तो देखो 3 किया 1 2 3, तो यहाँ तीसरे स्टेप पर आ जाना आप, तो 9-3 6। अब दूसरी तरफ है -5 तो -5 वो क्या आएगा, -10। पहले 0 से लेके -5, फिर -5 से लेके -5, ये क्या बन जाना -10। इस तरह नंबर लाइन पे शो करना। अब ऐड द इंटीजर्स आएगा, जैसे 6, 1, 2 है, दो इंटीजर देंगे, एक नेगेटिव है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इंटीजर -590। अब सिक्स प्लस माइनस क्या हो जाना, माइनस 6, 1, 2 में से 590 को माइनस कर देना, कितना आया ना 2। 11 में से 9 गए 2, तो 22 आया ना 6, 1, 2 में से 590, ठीक है। उसी तरह आपने यहाँ कंप्लीट करना टेबल 7th क्वेश्चन है। -5 को यहाँ पर एडिशन का साइन है, मतलब सारी को इसको इससे ऐड करना। -5 को -5 से किया -10, -5 को -3 से किया -8, -5 को -1 से किया यहाँ पर 6 आया, -5 को +0 किया, -5 में +1 किया, -5 में +3 किया, इस तरह एडिशन कर करके उसका टेबल बताना। तो बाद में उसका आंसर लिखना, राइट द ऑल पेयर इंटीजर हूज सम इज 0, मतलब दो पेयर ऐसे कौन से होंगे जिसका सम 0 बने। तो देखो जैसे -1 में 1 ऐड करो तो -1 और 1 ऐसा पेयर एक बनेगा, वो 0 बनाएगा। 0 में 0 ऐड करूँ वो भी 0 बनाएगा, 0-0 वाला पेयर बन जाएगा। इस तरह इसके आंसर बताने, ठीक है। उसके बाद आप क्या वाई की वैल्यू फाइंड करनी, y+3=0 दिया, वाई की वैल्यू फाइंड करनी, वाई की वैल्यू क्या है नहीं +3, तो उसमें से वाई की वैल्यू निकालनी है। हमने कैसे निकालेंगे, +3 है, इसको ख़त्म करने के लिए हम -3 करेंगे, तो -3 से इधर ही करेंगे, 3 से 3 कट हो गया, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई -3। तो जहाँ आप दूसरा मेथड लगा सकते हो y+3=0 है, तो सीधा जो इधर प्लस में होता उधर जाके नेगेटिव में हो जाता, अगर इधर -3 होता तो उधर जाके +3 हो जाता, ठीक है। तो यार